प्यार ऐसी चीज है जिसका कोई जाति धर्म नहीं होता, जो हमेशा दिल से होता है, भले ही दूरियां हजारों मील हो या फिर सात समंदर पार, प्रेम अपनी ओर खींच ही लेता है। कुछ ऐसी ही कहानी है जर्मनी की मरियम हाफमैन की, जो शामली के रहने वाले अरविंद कुमार से प्यार में भारत चली आईं, जिन्होंने पूरे परिवार की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की है। शामली के गांव लिसाड निवासी अरविंद कुमार मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं, जिसके चलते वो जर्मनी गए थे, जहां मरियम हाफमैन से उनकी जान पहचान हुई, जो प्यार में बदली और शादी तक पहुंच गई, जहां 21 अक्टूबर को कैराना रोड स्थित होटल में दोनों ने विवाह किया। आपको बता दें कि मरियम जर्मनी में शिक्षिका है और 2 साल के वीजा पर भारत आई है। वहीं एडवोकेट सत्येंद्र धीरयान का कहना है कि दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए अर्जी दे दी है और एसडीएम के सामने दोनों के बयान भी दर्ज हो गए हैं। लड़का है अरविंद कुमार, पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम रिसाड़ का, जाति जाट, और लड़का जो है मर्चेंट नेम इंजीनियर था, वो जर्मनी गया हुआ था। जर्मनी में एक लड़की है मारिया होपमैन, जो बर्लिन जर्मनी की रहने वाली है और जो वहाँ पर टीचर है। वो जो लड़की का उसके लड़के से प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों की जो है पोस्टिंग, लड़का भी मुंबई आ गया और लड़की ने भी अपना ट्रांसफर मुंबई करा लिया। उनके दिवाली पर उनके लड़का लड़की के माँ बाप मादर फादर और लड़की के माता पिता भी आए हुए थे, यहीं पे दिवाली मनाई और लड़की का रास्ता तय करके और 21 तारीख में शामली में उसकी शादी कर दी। और कल जो है विशेष विवाह अधिनियम इस वेल में एक्ट के अंतर्गत एसडीएम शामली के यहाँ कल कोर्ट में इसके लिए आवेदन पत्र दिया है। वहीं इस शादी में मारिया के माता पिता भी शादी के वक्त मौजूद रहे, जहां पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से सरफराज अली की रिपोर्ट।